से बढ़ा देना खट्टर की खटारा सरकार, कुछ भी तो नहीं है भाई। बीजेपी का अगर आपके पड़ोसी राज्य से मैं बात शुरू करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 23 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है और मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि 23 में से वो एक सीट पे भी अपनी जमानत बचा ले तो ज्यादा अच्छा है। इंडिविजुअली मैं उनकी बात करना चाह रहा हूं, मैं आपका अभी पूछोगे कांग्रेस के साथ भी वो खड़े हो गए, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, मगर वो डिजर्व करते हैं कि मुख्यमंत्री बने। और कल को भाई बड़ा दंगल है, बड़े दंगल में एक तरफ मोदी खड़ा, राहुल में तो दम नहीं, लड़ाई कौन लड़ेगा? वी नीड कपल ऑफ पीपल, हमें ये भी चाहिए है, अखिलेश भी चाहिए है। कह रहा हूं कि हमें कम से कम देश को, मैं एक देश का नागरिक होने के लिए कह रहा हूं कि फेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम में तब होता है जब विपक्ष मजबूत हो। राहुल से हमें उम्मीद नहीं, तो हम किसी को तो कोई आएगा तभी हम उसको उसमें उम्मीद, फिर हम उसको देखेंगे। जब इनएक्सपीरियंस होता है वो एक डिसएडवांटेज होती है, मगर 2.5 साल में भी जो एक्सपीरियंस गेन ना कर पाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा ही नहीं है। इससे ज्यादा इनएक्सपीरियंस मैं क्या कहूंगा। खट्टर साहब को यह नहीं पता, मैंने खट्टर साहब से मेरी मदर के साथ डवाली की एक अग्निकांड पीड़ित के लिए सिर्फ डीसी रेट की एक नौकरी मांगी थी। खट्टर साहब को यह नहीं पता डीसी रेट की नौकरी क्या है, तो फिर भगवान भरोसे ही है। एसपी डीसी एसडीएम का राज है, वो तो नजर, ये तो जाहिर सी बात है कि वो ताकतवर होंगे, और अफसरशाही ताकतवर होगी तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ये बात तय। वो तो पहले कंगाल है पाकिस्तान, अगर मोदी का 56 इंच का सीन है तो चाइना से लड़े, कुछ ना कुछ लड़के उनसे प्राप्त करके तो आएंगे, या मोदी का भी पता चल जाएगा, या कोई अमेरिका से, कोई बड़े देश से, विकसित देश से लड़ाई लड़े। और अगर लड़ाई वो बंदूक तोप तलवार से नहीं लड़नी तो प्रोग्रेस करके लड़ाई लड़े, उनसे आगे आके दिखाए। पाकिस्तान से क्या मुकाबला है हमारा, जो एक जायज मांग है, नाजायज नहीं है, उसको पूरा किया जाए। हम सदैव इस बात के पक्षधर रहे कि आरक्षण गरीब को मिले, आरक्षण जरूरतमंद को मिले, जो दबे और कुचले समाज हैं उन सभी को मिले, मगर क्या सिर्फ इसकी एवज में कि इसके बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, कोई इस पे बिल लाने को तैयार नहीं, क्या इसकी एवज में जाट को पछड़ने दिया जाए? ऐसा हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये कहा कि जाट को आरक्षण आज मिलना चाहिए, क्योंकि जाट की हालात एजुकेशन वाइज, फाइनेंशियली, सामाजिक तौर पर, तीनों तौर पर पिछड़ चुकी है, इसलिए ये उसका अधिकार है। सिर्फ सुभाष बराला जी को नहीं, 36 बिरादरी के लोगों को, किसी भी पार्टी से क्यों ना, उनको आगे आना चाहिए और इसे सपोर्ट करना चाहिए, और कर भी रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट बिरादरी के लोग ही हैं, हर बिरादरी के लोग इस मंच पे आज आगे आके कह रहे हैं कि जाट बिरादरी को, क्योंकि उनकी जरूरत है। आपसे सबसे इंपॉर्टेंट मांग रख दी कि एक तो हाइजीन, जब तक हाइजीन नहीं सुधरेगा, अच्छे टॉयलेट्स नहीं होंगे, तो आप कैसे एंडोर्स कर सकते हो अपनी एजुकेशन को, कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि ज्यादा लड़कियां गांवों से निकल करके पढ़ने आए? आपके पास स्टाफ की कमी है, जब तक उसके लिए एडिक्वेट बजटिंग नहीं होगी तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़े? आप इवनिंग में क्लासेस क्यों नहीं लगाते? अब आपके यहां पे बड़ी दिक्कत है कि स्टूडेंट ज्यादा है, जगह नहीं, तो आप डबल सेशन क्यों नहीं चलाते? आप बसेस की बात मैं कर रहा हूं कि 300 बसेस जो कहते रहे, 300 नहीं तुम 100 ही खरीदो, हर हल्के के बेस पे आप एक बस देना शुरू कर दो, 2 बस दे दो, अगले साल 3 हो जाएंगी।